अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे सफ़र का आगाज़ शुरू हो गया है। हम आज जा रहे हैं मदीना की ज़्यारतों पर। अच्छा, जो हमारे ट्रैवल एजेंट ने हमें ज़्यारतों का बताया था कि आप जो हैं इसमें आपकी सारी ज़्यारतें कवर हैं, तो जो ये फ़र्स्ट डे पे लेके जाते हैं ये लोग बदर पे नहीं लेके जाते। बदर की ये अलग से करवाते हैं, उसकी बुकिंग भी अलग से होती है। तो आपका जो एजेंट है आप उससे ये बात यहीं से कंफर्म करके जाइएगा कि हमें बदर की भी ज़्यारतें इसी पैकेज में इंक्लूड करके दें, तो फिर आपका जो है उसमें सही से हो जाएगा। वरना जब आप वहाँ जाएंगे तो वो आपसे एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। आई थिंक 30 रियाल था कि 60 रियाल था, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन ऐसे ही कुछ था कि एक्स्ट्रा चार्जेस थे और फिर वो अगले रोज़ आपको लेके जाते हैं। तो अभी इस वक्त हम जा रहे हैं दूसरी एक और फैमिली को होटल से पिक करने के लिए। हम सेकेंड लास्ट पिक थे, हमें उन्होंने पिक किया था सेकंड लास्ट, और अब फिर जो है लास्ट वालों को पिक करके हमारा सफ़र का आगाज़ शुरू होता है। तो मैंने बिल्कुल रॉ रखा है व्लॉग, जो जो उन्होंने बातें की हैं जैसे की हैं वो सारी मैंने इसके अंदर एज इट इज़ रहने दी हैं, ताकि जो इन्फॉर्मेशन ऑब्वियसली एज इट इज़ तो मैं नहीं पास ऑन कर सकती, तो जो भी है वो आपको वहीं से आराम से सुनने को मिलेंगी, और आप इसको इंजॉय करिएगा। प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मोहतरम मुजरिक राम, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गाड़ी मुकद्दस ज़ियारत की तरफ जा रही है। आप हजरात से गुजारिश है कि आवाज़ बुलंद सब मिलकर सफर की दुआ पढ़ लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुभानल्लज़ी सख़र लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन वइन्ना इला रब्बिना लमुन्क़लिबून। मोहतरम मुजरिक राम, एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लेंगे। सिलसिला शुरू है, जैसे गाड़ी आगे जाएगी आपके उल्टे हाथ की तरफ पुल के करीब एक मस्जिद नजर आएगी। 3 दरवाजे वाली मस्जिद है जालियों के पास। उल्टे आवाज जन्नत में सुनाई देती है। मस्जिद बिलाल नमाज के टाइम खुलती है, बाकी औकात बंद रहती है। ऊपर मुझ पर दुरूद ना पढ़े। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रोजा रसूलुल्लाह पर 70,000 फरिश्तों की डिप्टी लगाई है। 70,000 फरिश्ते सुबह फजर की नमाज से लेकर असर की नमाज तक दुरूद सलाम का नजराना पेश करते हैं। असर की नमाज से लेकर सुबह फजर की नमाज तक 70,000 और फरिश्ते आके दुरूद सलाम का नजराना पेश करते हैं। जिस फरिश्ते की मलाइका की एक दफा बारी आ जाती है, कल कयामत तक लाइनों में खड़े कतारों में खड़े इंतजार करते रहेंगे कि दोबारा हमारी कब बारी आएगी। मोहतरम मुजरिक राम, आप और हम कितने खुश नसीब, जगह पर ही लगाई जगह यही है, दरख्त नस्ल पर नस्ल चैन होते रहते हैं। इस बार की खजूर वादी उस्मान में मौजूद होती है। हम इंशाल्लाह कुछ ज्यारत के बाद वादी उस्मान बीर उस्मान, बीर उस्मान वो कुआं है जो हजरत उस्मान गनी ने यहूदी से लेकर वक्फ किया था। अभी तो कुएं का तलबा तो निशान रह गया है। कोरोना से पहले वो कुआं खुला था, हाजी लोग अंदर जाते थे पानी भरते थे, कोरोना के बाद बंद कर दिया। अभी रमजान में उन्होंने खोला था, उनके दरख्त वरख्त जो थे वो तोड़ दिए, खजूरें थी वो भी खत्म कर दिया। अभी उसके निशान बाकी है, वो भी आपको दिखाएंगे। उसी के साथ वादी उस्मान है, वहाँ पर जो खजूरों के बाग है वहाँ पर भी गाड़ी जाएगी। अभी हम मस्जिद कुबा पहुँचने वाले हैं। सामने आपके उल्टे हाथ की तरफ मस्जिद कुबा है। मोहतरम मुजरिक राम, हर एक ज़ियारत पे आपको टाइम दिया जाएगा। जितना ही आपको टाइम दिया जाए उतने ही टाइम के अंदर आप वापस आएंगे। ज़ियारत करवा के नमाज से पहले पहले आपको हरम उतर आ जाएगा। अपना भी ख्याल रखना, नमाज से पहले पहले हम हरम में पहुंच जाएंगे। यहाँ पर सब कुछ इंतजाम है, वजू खाना है, हमाम है, अलग अलग है, लेडीज के अलग है, मर्दों के अलग है।
आगे देखिए काले पत्थर वाली मस्जिद है, कब्र नुमा छत है ये बिल्कुल सामने। यहाँ पर हजरत सलमान फारसी का खैमा मुबारक था, ये बिल्कुल काले पत्थर वाली मस्जिद है। आगे देखेंगे बड़ी मस्जिद है जामिया अलखंदक के नाम पे, इसी उल्टे हाथ पे यहाँ पर दो खेमे थे, एक हजरत अबू बकर सिद्दीक, दूसरा हजरत अब्दुल्ला बिन जाश। वो खेमे हटा के बड़ी मस्जिद बना दिया, नमाज के टाइम खुलती है बाकी औकात बंद रहती है। इसी मस्जिद के पीछे गार सजदा है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस गार के अंदर तशरीफ ले जाते थे, अपनी उम्मत के लिए दुआ मांगते थे। वो गार बंद कर दी है, आगे मस्जिद बना दी है। अभी आपके सीधे हाथ की तरफ एक और खेमा है, यहाँ पर हजरत उमर बिन खत्ताब का खेमा मुबारक था लगा हुआ है। जैसे गाड़ी घूमेगी आपके उल्टे हाथ की तरफ एक दो खेमे और आएंगे, आपके उल्टे हाथ की तरफ इन गाड़ियों का खाने के ऊपर खेमा बना हुआ है दरख्त के पास। यहाँ पर हजरत बी फातिमा तुज़्ज़ारा रज़ी अल्लाह तआला उनका खेमा मुबारक था, ये बिल्कुल सामने जमीन के ऊपर ये ग्रिल भी लगा हुआ है। ये खेमे लगे हुए थे, खेमे हटा के छोटी छोटी मसाजिद बना के बाहर से ग्रिल लगा। हम मस्जिद क़िबला तैन की तरफ जा रहे हैं, मस्जिद क़िबला तैन पे भी नवाफिल अदा करने हैं, वहाँ पर मर्दों की जगह अलग। किया जाए ये लफ्ज मोहम्मद के नाम की लोकेशन देता है। ये बिल्कुल मस्जिद नब्बी के आमने सामने है, 1.5 किलोमीटर का फासला है। मस्जिद नब्बी का 330 नंबर गेट लगता है। एक मछड़े हुए थे, ये उहद पान हिलने लग गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी एड़ी मुबारक मारी और फरमाया, तुझे मालूम नहीं तेरे ऊपर एक नबी, एक सिद्दीक, दो शहीद खड़े हैं। ये सुनते ही उहद पहाड़ झूमने लग गया। इसी उहद पहाड़ के दामन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक शहीद हुए। आपके प्यारे महबूब चचा हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह तआला वो भी इसी मकाम पर शहीद हुए। इस्लाम की दूसरी जंग इसी उहद पहाड़ के दामन में हुई। यहाँ जो जंग हुई थी, इस जंग के अंदर 70 सहाबा इकराम शहीद हुए, जिसमें प्यारे महबूब चचा हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह तआला शामिल है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो भी मेरा उम्मती मक्का मदीना में आया है वो लाजमन मेरे चचा के पास भी है, यहाँ पर जो भी दुआ मांगेंगे कबूल होगी। जैसे ही गाड़ी आगे जाएगी, इसी उहद पहाड़ के साथ छोटी पहाड़ी है जबल रुमात, उस पहाड़ी के ऊपर चढ़ना अदब के खिलाफ है। अभी भी आप जाके देखेंगे कुछ लोग चढ़े हुए होंगे। उसी जबल रुमात के ऊपर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 बेहतरीन तीर अंदाज सहाबा इकराम को बिठाया और फरमाया, जंग के जो भी नतीज हो, हम जंग जीते या हारे, आपने इस पहाड़ी से नीचे नहीं उतरना। जिस वक्त जंग खत्म हो गई थी, 40 सहाबा इकराम नीचे उतरे, मालो गनीमत इकट्ठा करने में बांधने में लग गए। 10 सहाबा इकराम जबल रुमात के ऊपर ही ठहरे। खालिद बिन वलीद जो जंग से पहले मुसलमान नहीं थे, उन्होंने आकर पीछे से हमला किया, 10 सहाबा इकराम को जबल रुमात के ऊपर शहीद कर दिया।
इस वजह से उस पहाड़ी के ऊपर चढ़ना आदम के खिलाफ है, शोहदा का खून लगा है। आप में से कोई हाजी भी उस पहाड़ी के ऊपर नहीं चढ़ेगा। जो लोग चढ़े हुए होंगे वो छोटी गाड़ी करवा के आते हैं, टैक्सी करवा के आते हैं, या जिनके साथ कोई बताने वाला नहीं होता ऊपर चढ़ जाते हैं तस्वीरें बनाने के लिए। आप में से कोई हाजी भी उस पहाड़ी के ऊपर नहीं चढ़ेगा। आप जाके देखेंगे एक चौदीवारी है, उस चौदीवारी को बाहर से जाल लगा हुआ है। उसी चौदीवारी के अंदर तीन कब्र मुबारक मौजूद है। ज़ोहर के करीब हम आ गए थे वापस अपने होटल के पास और वहीं पर हरम शरीफ भी है। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।